तो गाइस चेक करो, ये है यहाँ का टिकट काउंटर, ₹5 टिकट है। ओके भाई, जैसा कि मैंने आप आते वक्त बताया था कि ऐसा सा रास्ता है, थोड़ा सन्नाटा रास्ता है, वहाँ पे छिलता ही होता है, थोड़ा सा फोन उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो गाइस बहुत ही मजा आने वाला आज के इस ब्लॉग में, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले औरंगाबाद। जैसे कि आपको बताया था हम लोग औरंगाबाद जाने वाले हैं, तो यहाँ से एक साइड से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है और आज कम से कम 50 से 60 किलोमीटर हम लोग साइकिलिंग करने वाले हैं। बहुत ज्यादा धूप तेज है और भाई इतना हवा तेज मार रहा है, लहर चल रहा है कि भाई साइकिल चल नहीं रहा है, और ऊपर से जो धूप है ना डायरेक्ट आंख पे पड़ रहा है, चश्मा लगाने के बाद भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अपने सारे पलटन लोग चेक करो गाइज, आम के पेड़ के नीचे हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज किस ब्लॉग में, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। डाइट मिलते हैं गोप्रो सेटअप पे आपसे। चलिए भाई, यहाँ पे थोड़ा छाव छाव सा है भाई, आगे बहुत ज्यादा धूप मिलने वाला है, तो यहाँ पे मारते हैं अपने ब्लॉग की पहली विली। ये चेक करो गाइस आज अपनी ब्लॉग की पहली विली। भाई ब्रेक थोड़ा कम लग रहा है, ब्रेक थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, एलिंकी वगैरह लेके चल रहा हूँ। तो आज ये रास्ते जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल है और इस जगह का नाम है बिलसारा। तो यहाँ पे आम आम का पेड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एक बैंक भी है जहाँ मेरा अकाउंट खुला हुआ है। सबसे पहले अकाउंट में इधर ही खुलवाया था अपना स्टूडेंट अकाउंट, तो इधर आना जाना पहले लगा रहता था। और ये रोड बन गया तो शॉर्ट रास्ता हो गया औरंगाबाद जाने के लिए, सबसे शॉर्ट रास्ता यही है। तो 2-3-4 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है इस रास्ते से, और रोड बड़ा मस्त है भाई, जिगजैग वाला रोड है। लेकिन ये बात है कि आते वक्त सुनता हूँ कि इस रोड में छीना छीनी भी होता है, मतलब छीनता ही होता है, क्योंकि काफ़ी सन्नाटा रोड है। तो देखते हैं आते वक्त कौन से रास्ते से आएंगे, अभी तो हम लोगों को नहीं मालूम है। अब जा रहे हैं इस रास्ते से, अभी दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में देखेंगे किधर से आना है हम लोगों को। हाँ हाँ, क्या ठंडा ठंडा लहर चल रहा है रे, मज़ा आ गया। इतना ठंडा बाद वहाँ से जिंदगी में नहीं खाए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या ठंडा लग रहा है। ए बाबू कहाँ लेके जाई थी रे, करा साइकिल में बांध लिया उसको, ले जा रहा है जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। ऐसा लग रहा है दो आदमी बैठाए हुए पीछे, ऐसा महसूस हो रहा है। बैलेंस बिगड़ गया बड़ा खतरनाक, पता है जानता क्या हुआ, चला रहा था पीछे पकड़ लेते करियर वाला, बोल रहा था लग रहा दो आदमी टान रहे थे, मैं ही को टान रहा था, तुम समझा आगे लग पाएगा घुसे का डर था, बचावे के चक्कर में गिर गए। हाँ चची चची पूरा डर गए, लेकिन चची पूरे हमरा लग गए तो क्या होते हैं लाइक। तो गाइस चेक करते हैं, हम रोड पर रुके हैं, हम लोग का फिर से दिख गया सावर भाई, बहुत खतरनाक लगता है, यही दौड़ा देता है भाई, भाई पूरा देखने में घोड़ा का तरह लग रहा है, सिंह भी है ना, सिंह सिंह से मारता है ये सूरज। तो भाई देखो एकदम शिद्दत वाली गर्मी फेंक रही है आज, चलो निकला जाए। अरे भाई ये लोग फिर से रेस स्टार्ट हो गया लोग। तो गाइस चेक करो, ऐसा ही गाड़ी हम लोग को भी चाहिए भाई, साइकिल लोड करके आराम से घूमेंगे ऐसे गाड़ी पे। तो गाइस ऐसा गाड़ी मिल गया ना भाई, साइकिल रहेगा अपना टॉप पे, जहाँ जाने का क्या बोलता है, औरंगाबाद चलना है, कहाँ चलना है बोलो, साइकिल 10 किलोमीटर पहले गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद साइकिल उतारेंगे, उसके बाद राइड करेंगे। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग औरंगाबाद। तो भाई 1.5 घंटा टाइम लग गया हम लोग को यहाँ आने में, मतलब कि 4:30 बजे निकले थे, अभी 6:05 हो गया है, अभी भी मार्केट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मार्केट में भी राइड करना है तो काफ़ी टाइम लग गया भाई। फिलहाल अभी जाकर थोड़ा सा मौसम हम लोग पर रहम खाया है, हवा थोड़ा सा कम हुआ है तो अब अच्छा लग रहा है। फिलहाल पहुंचते हैं आगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, पार्क में भी देखेंगे भाई, लोग तो बोल रहा है पार्क खुला, पता नहीं कैसा ना कैसा पार्क है, एक बार जाएंगे वहाँ पर क्या सीन है वहाँ का देखते हैं। जैसे हम लोग का आसनसोल है ना वहाँ का, वैसे यहाँ का औरंगाबाद है, हम लोग आसनसोल फिर भी नज़दीक है हमारे घर से, लेकिन यहाँ हमारे घर से औरंगाबाद काफ़ी दूर है। ये जो साइकिल में टायर लगा हुआ ना, मैं इस दुकान से लिया था, यहाँ पे राजधानी साइकिल शॉप है, यहीं से मैं लिया था टायर, ये रमेश चौक बहुत ही फेमस है, मतलब यहाँ पे चौराहा है यहाँ का। ये चेक करो गाइस वीली, मार्केट है वीली, गजब रिएक्शन आ रहा भाई। फाइनली गाइस यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे पार्क होगा, ये पार्क है। तो गाइस चेक करो, ये है यहाँ का टिकट काउंटर, ₹5 टिकट है, और इधर भाई लोग टिकट ले रहा है भाई, 4-4। चला जाए अंदर, देखते हैं क्या सीन है अंदर का, कैसा है, टिकट ले लिया चलो। तो गाइस चेक करो, हम लोग आ चुके इधर पहाड़ बोल रहे हैं। तो गाइस चेक करो, इधर हम लोग आ चुके हैं पार्क में, पार्क बोलने जा रहा था, पहाड़ बुला गया गलती से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पार्क में तो उधर भाई भीड़ काफी लग रहा है, मतलब ₹5 टिकट में इसके लेकर के बहुत ज्यादा भीड़ है, औरंगाबाद में पार्क बोल के कुछ चीज था नहीं,
तो यहाँ पे खुल गया एक तो और बढ़िया हो गया, मतलब लोग आना जाना करने लगे। जब मैं यहाँ रहता था तो उस समय तक यहाँ कोई पार्क नहीं था, नहीं जल्दी में खुला है ना भाई। असली मजा तो आंटी लोग ले रही भाई एक्सरसाइज की, इधर बच्चे लोग बड़े लोग सब कोई जा रहे इसके ऊपर, तो ये लोग भी चला भाई इसके ऊपर। अरे आंटी 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 वाह आंटी, ऐसे ये बच्चों के लिए भाई ये लोग भी चढ़ गए ऐसे। देखो ये चेक करो, ये बचपना नहीं जाएगा ना, बचपना नहीं जा रहे लोग। तो गाइज ये दोनों में चैलेंज लग रहा है कि कौन घुमाता है और किसका सबसे लास्ट में रुकता है, वो चीज का चैलेंज हो रहा है। चलो 3 2 1 अरमान का थोड़ा लेट से घुमा है, वो हो जाएगा सुबह रुकने वाला। चलो कोई फायदा नहीं, रिजल्ट रिजल्ट देखना गाइज, सुबह आना पड़ेगा कलम। तो फाइनली गाइज पार्क घूम लिया, छोटा सा पार्क खुला यहाँ पे, बस देखने के लिए आए थे कि क्या सीन है पार्क का। छोटा सा पार्क है, बच्चे लोग का पार्क है, हम बड़े लोग भी इंजॉय कर रहे हैं उसमें, आंटी वंटी सब इंजॉय कर रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा है, छोटा सा पार्क खुल गया। कम औरंगाबाद पार्क की कमी थी और खुल गया तो अच्छा है। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, यहाँ पर लाइट वाइट स्ट्रीट लाइट लगा हुआ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पे से हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, ज़्यादा लेट करेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों को 15-20 किलोमीटर राइड करना है फिर से। और फिलहाल अभी मौसम ठीक हो गया, साइकिलिंग करने लायक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम लोग आए थे ना भाई साहब, क्या गर्मी था। फिलहाल साइकिल टांगते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो फाइनली गए यहाँ पे, हमने खाया चिकन चिल्ली और पराठा और भाई पेट भर चुका है भाई, बहुत ज़ोर का भूख लगा था। समझ लो कि हम लोग रात का खाना खा करके जा रहे हैं यहाँ से, खा लिए तो अच्छा लग रहा है लेकिन घर जाते तो भूख लग जाएगा वापस, क्योंकि भाई काफ़ी दूर है अपना घर, बगल में थाना है भाई यहाँ पे। क्या वीडियो हो रहा भाई, मज़ेदार। इतना तो गाड़ी पेट्रोल नहीं पीता औरंगाबाद आने में जितना हम लोग पानी पी लिए। फाइनली गए यहाँ से, हम लोग निकल रहे हैं, सारे बंदे लोग आगे चल गए भाई, मैं पीछे छूट गया हूँ, बैग वैग दे दिया हूँ क्योंकि भाई बहुत देर से बैग टांगा हुआ था, पसीना पसीना हो गया था पीछे से। फिलहाल भाई लोग को पकड़ते हैं हाईवे पे, यहाँ पे तो लाइट है, हाईवे पे अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। मोबाइल का थोड़ा चार्ज वार्ज बजा कर रखें ताकि अंधेरे में बढ़िया से राइड कर सकें, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने आप आते वक्त बताया था कि ऐसा सा रास्ता है ना, थोड़ा सन्नाटा रास्ता है, वहाँ पर चिंता ही होता है, थोड़ा सा फ़ोन उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या करें, राइड भी करना है, ब्लॉग्स भी बनाना, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है हम लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। फिलहाल मौसम अच्छा हो गया है, अभी राइड करने में मज़ा आ रहा है। जिस समय आया था उस समय भाई हालत ख़राब हो गया था, अभी च्युइंगम चबा रहा हूँ, पूरा हेलमेट लगा लगा भाई, पूरा बाल भीग गया था अपना। थोड़ा सा रुक रहे यहाँ पे, हवा लेंगे, थोड़ा सा हवा खाएंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे घर। अपना पास में आ गया देव मोड़, अच्छा हुआ भाई वो रास्ते से नहीं गए जो खाली खाली से रोड था, उसमें भाई बहुत रिस्क था। अपना फ़ोन है, कैमरा है, पर्स है, पेपर्स है, बहुत सारा चीज़ का दिक्कत होने वाला था, इसलिए वहाँ से नहीं गए, हाईवे से जा रहे हैं। और अपने एक फ्रेंड भी आ गया तो फ्रेंड के साथ ही निकल जाएंगे क्योंकि वो बाइक से है, तो रास्ते में थोड़ा सा लाइट वाइट का इशू हो रहा था, तो उसके बाइक में लाइट रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिलहाल यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस चेक करो गाइस, बराती गाड़ी पार हो रहा है भाई, कितना सारा गाड़ी एक साथ देखने को मिलेगा ये चेक करो। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं घर के पास, काफ़ी देर हो गया भाई। अपने भाई का तो बार बार चैन उतर रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, शक्का उक्का सब बाहर निकल जा रहा है, बाकी कुछ दो भाई लोग पीछे हैं। उम्मीद करता हूं गाइस आज का छोटा सा ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, काफ़ी थक गया भाई, काफ़ी लंबा राइड हो गया, इससे मेरे को समझ में आता है कि भाई मैं लंबा राइड करने के लिए नहीं बनाऊँ, मैं शॉर्ट राइड और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाने के लिए बनाऊँ, लंबा राइड में से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो गाइज़ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो गाइज़ आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज़ मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल। कर दो बाय, ऐसे तो तुम लोग दिखेगा नहीं। बाय बाय।